हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक एंड टेस्टी रेसिपी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक परफेक्ट मसाला टिंडे की रेसिपी, जो बहुत ही स्वादिष्ट और झटपट बनने वाली ये रेसिपी है। आप अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ में शेयर कीजिए ये रेसिपी, आपको बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। और रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स, और अपने कॉमेंट्स हमें ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि हम नई नई रेसिपीज़ आपके साथ शेयर कर सकें। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं हम परफेक्ट मसाला टिंडा। इसके लिए हमने लिए हैं टिंडे, जिन्हें हमने अच्छे से वॉश करके बीच में से कट कर लिया है, ताकि हम इसे इसमें स्टफिंग फिल कर सकें। स्टफिंग के लिए इस तरीके से कट कर लिया है। स्टफिंग के लिए हमने इसमें यूज़ किया है हरा धनिया, हरी मिर्च, करीबन 2 से 3 हरी मिर्च आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, और जितना स्पाइसी आप रखना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। और इसमें साथ ही हम यूज़ कर रहे हैं नमकीन 1 चम्मच और 2 लहसुन की कलियां। इन्हें अच्छे से हम पीस के इसका पेस्ट बनाएंगे। ग्रेवी के लिए हम यूज़ कर रहे हैं लहसुन और प्याज का पेस्ट। 2 छोटे प्याज लिए हमने और 2-3 लहसुन की कलियां, उनको हमने बारीक इस तरीके से पेस्ट बना लिया है। और 2 से 3 टमाटर लेके उनकी प्यूरी रेडी कर लेनी है। और 1 कटोरी हम इसमें यूज़ करेंगे मलाई। सबसे पहले क्या करना है, आपको टिंडों को डीप फ्राई करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, इन्हें हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक आपको डीप फ्राई कर लेना है। और अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। स्टफिंग के लिए हमने जो भी सामग्रियां ली थी उनको हमने बारीक पेस्ट बना लिया है, और उसमें हम मसाले ऐड करेंगे, नमक, लाल मिर्च, हरा धनिया और हल्दी पाउडर। तो ये हमारी स्टफिंग जो है वो रेडी हो गई है। अब हम ग्रेवी बनाते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए हमने सेम कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल लेके उसमें 1 लौंग और 1 इलायची उसमें ऐड की है, और अब हम उसमें प्याज का पेस्ट डालेंगे। प्याज को हमें गुलाबी होने तक पकाना है। तो जब तक हमारा प्याज गुलाबी होता है, तब तक हम जो हमारे जो टिंडे हैं उनमें हमारी जो स्टफिंग जो हमने रेडी की थी वो फिल कर लेते हैं। इस तरीके से आपको टिंडों में स्टफिंग फिल करनी है। ग्रेवी के लिए हमारा जो प्याज था वो गुलाबी हो चुका है। अब हम इसमें टमाटर भी हमने ऐड किया है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे, नमक, लाल मिर्च, हल्दी और हरा धनिया। अब हम इसे एक बार चला लेते हैं और इसे ढककर हम पकाएंगे, और तब तक पकाएंगे जब तक सब्जी तेल ना छोड़ने लगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने हमारे जो टिंडे थे उनको इस तरीके से फिल कर लिया है। ये स्टफिंग बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। देखिए फ्रेंड्स, हमारी सब्जी अब तेल छोड़ने लगी है। अब हम इसमें मलाई ऐड करेंगे। मलाई से इसे एक शाही लुक मिल जाता है। तो अब हम इसमें हमारे टिंडे भी डाल देते हैं। इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। तो तैयार है हमारी स्वादिष्ट मसाला टिंडे की रेसिपी। तो आप इस पे बारीक हरा धनिया काट कर इसे गार्निश कीजिए और सर्व कीजिए।